वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अदीला शहजादी और यहाँ पे जनाब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ या आप मेरे पीछे कपड़े देख रहे होंगे तो मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शूट कर रही हूँ ईद के लिए ये बैग के भी एक सूट है एक मेरे फ्रेंड पे पड़ा हुआ है और ये बैग पे दो हैं आज हम चार जो है ना ड्रेसेस की वीडियो शूट करेंगे उसकी छोटी छोटी डिटेलिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आपने वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और एंड तक आपने वीडियो देखनी है और इसके अलावा जिस ब्रांड का ड्रेस होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन ज़रूर कर दूँगी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन होगा और इस तरह आपको बार बार कमेंट्स में पूछने की वो नहीं होगी कि ये किस ब्रांड से ये किस ब्रांड से है तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रेस नंबर वन ये जी ड्रेस नंबर वन है पहले तो आप इसका प्रिंट देख लें इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा कलरफुल सा और इस तरह से रेनबो कलर लग रहा था तो मैंने ये ड्रेस खाड़ी से बाय किया है और यहाँ से इसकी डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो ना मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी लेस डलवाई है और इसके अंदर की तरफ मैंने पलटा नहीं लगवाया बस यहाँ पे मैंने दो सेंटर में जो है ना वो कलियों की तरह सीढ़ी लेस डलवा ली है वो आप ऊपर तक देखिएगा ऊपर तक लगी हुई है और ये इसके गले हैं गला है इसका इसकी गले की डिटेलिंग आप देख लें इस तरह से इस पर मगजी लगवा के सेंटर में और यहाँ पे ये मैंने तीन टसल्स लगवा लिए हैं ये जो टसल्स हैं ना ये मैंने ड्रेस को प्रेस किया और सेट किया तो इस वजह से ये टसल्स इस तरह खुल गए हैं तो इसी तरह से फ्रंट पे जैसे ये दो कलियां हैं तो इसकी सेम एज इट बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं सेम एज इट बैक साइड पे भी कलियां और साथ में सीढ़ी लैस वाली कलियां और आगे पीछे लैस जो है ना वो घेरे को और मैंने लगवाई हुई है जिसने गले का स्क्रीनशॉट लेना है वो इस तरह से ले सकता है और यहाँ पे जिसकी बाजू की डिटेलिंग है वहाँ पे ये देखें छोटी छोटी सी इसके अंदर मकजी करवाई है एक क्लैस मैंने यहाँ डलवाई और एक इस तरह से इधर डलवा लिया यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसने लेना है ये ले ये ले लिया जी स्क्रीन और ये था सिंपल सा एक आउटफिट आउटफिट नंबर वन और यहाँ पर ये देखें ट्राउज़र जो है ना वो इसका बहुत सिंपल सा मैंने करवाया है लेकिन आपको इसके मैं ट्राउज़र की एक डिटेल बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे इसके फ़र्क नज़र आ रहा होगा बिकॉज यहाँ पे इसके चुनट डलती है यहाँ से ऊपर तक यहाँ से बंद है और यहाँ नीचे से ये खुला मैंने करवा लिया है और यहाँ से ये आप इस ट्राउज़र का भी स्क्रीन ले लें ऐसे करके ये इसका हैंगर पड़ा हुआ है साथ ही और ये देखें ऊपर से इसकी शेप ऐसे आके तो ये मैंने इधर से खुलवा लिया था और नीचे से मैंने प्लाजो टाइप का बनवाया काफ़ी खुला है ये तो ये देखें ये काफ़ी खुला है तो बस ये थी ड्रेस नंबर वन था चलिए अब ड्रेस नंबर टू की तरफ चलते हैं ये है जी ड्रेस नंबर टू सबसे पहले आप इसका ओवरव्यू ले लें इस तरह से इसका प्रिंट इतना मज़े का था और ये चेक वाली इसका ट्राउज़र बनना था ट्राउज़र बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल ट्राउज़र है बस ऊपर से ऊपर मैंने यहाँ पर ला डलवाई है ये आप देख लें और बाकी जो है ना ट्राउज़र वो बिल्कुल सिंपल सा मैंने बनवाया है और यहाँ पे ये यह देखें ये इसके मैंने बैक साइड पे पल्टा लगवाया है इसी कपड़े का ट्राउज़र के कपड़े का और ये मैंने छोटी छोटी सी लेस लगवाई है यहाँ से लेस स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है इट्स मेन इसके जो सेंटर में मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको अच्छे से खोल के ये देखें जो ट्राउज़र का कपड़ा था ना वो यहाँ पे मैंने डलवाया है ये आप देखें ये देखें साइड्स पे डलवा के तो ये डिज़ाइन बनवाया था मैंने कुर्ता स्टाइल तो ये देख लें आप जिसने स्क्रीन शॉट लेना ना वो ऐसे ले लें ऐसे क्योंकि सेंटर में इसके मैंने ये कपड़ा डलवाया है तो यहाँ से ले कर इसकी मैंने दोनों साइड्स पर फ्रंट पर भी और ये देखें बैक पर भी इसकी ना लेस डलवाई है ये वाली लेस जो है ना ये छोट छोटी छोटी यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह लेस डली हुई है ये दोनों साइड्स पे ही ऐसे ही ऑब्वियसली आपको पता है एक साइड पे लगा है तो दोनों साइड पे लगेगा यहाँ पे भी सेम एज इट ऐसे ही और उधर भी इस तरह और ये इसके गले की डिटेलिंग है गला बिल्कुल सिंपल गोल बनवा के और यहाँ पे मैंने ये देखे साथ में नीचे इसके हुक्स uh, लगवा के उसके ऊपर मैंने जो है ना बटन लगवा लिए हैं यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व बटन जो है ना वो मैंने लगवाए हैं और गले का स्क्रीन शॉट आप यहाँ से जल्दी जल्दी से ले लें यहाँ से गले का स्क्रीन शॉट ले लें ले। और जो बाजू हैं ना वो भी बहुत सिंपल हैं बाजुओं पर भी मैंने अंदर की साइड पर यहाँ पर पल्टा डिलवाया और यहाँ पे मैंने छोटी सी लेस डलवाई है ये जो पलटा हम लगवाते हैं इससे ये होता है कि ड्रेस ना हमारा नीचे नीचे ही रहता है हमारा ड्रेस उठा उठा नहीं रहता जो फ्रंट से जो कपड़े उठ जाते हैं ना वो नहीं होता ठीक है बाजू जो थे वो ब्रांड से इस तरह के आए थे थेदा से ये ट्राउज़र है ये इसकी फ्रंट साइड है और जो इसकी बैक साइड है ना वो डिफरेंट है वो ये है तो ये दोनों फ्रंट और बैक बिल्कुल डिफरेंट है फ्रंट भी डिफरेंट बैक भी डिफरेंट ट्राउज़र डिफरेंट और सेम एज़ इट बाजू भी डिफरेंट सिर्फ जो कलर है वो ड्रेस का सारा सेम है तो ये जनाब आप लोग जिसने स्क्रीन शॉट लेना है ना वो ले ले मैं उसको पूरा डिटेल से जो है ना इसको खोल के इस तरह से दिखा देती हूँ जिसने फुल का स्क्रीन शॉट लेना वो यहाँ से ले ले तो चलिए अब हम चलते हैं ये ड्रेस नंबर थ्री की तरफ और ये लें जनाब ये है ड्रेस नंबर थ्री ये भी ड्रेस मैंने बीचरी से बाय किया था इसका मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे देती हूँ इसका मैंने कॉम्बिनेशन किया है ये था येलो मस्टर्ड और साथ में इसके पिंक कमीज़ में इसमें कलर था तो ट्राउज़र का भी सेम ऐसे आ गया जो उस कमीज़ में ज़्यादा कलर था वो ट्राउज़र पे लेसेज चलेगी और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपकी कमीज़ के ऊपर आपने ज़्यादा डिटेलिंग करवाई है तो फिर ट्राउज़र सिंपल करें अगर कर ट्राउज़र पे डिटेलिंग है तो जो शर्ट है उसको बिल्कुल सिंपल रखें फिर बहुत डिसेंट ड्रेस लगता है तो ये इसकी आप जो है ना इधर से मैं आपको डिटेलिंग दिखा देती हूँ अब देखें इसकी जो शर्ट है इसके नीचे पलटा नहीं लगवाया सिर्फ़ और सिर्फ मैंने साइड्स पे दोनों साइड्स पे मैंने ना इस तरह से जो है ना मगजी करवाई है वो भी शलवार के कपड़े की यहाँ से आप जो है ना स्क्रीन शॉट ले लें जिसने लेना है और इसके अलावा सिंपल बिल्कुल सिंपल कोल गला सिर्फ़ और सिर्फ ये बाजूँ पर मैंने छोटी सी जो है ना डिटेलिंग करवाई है यहाँ पर मैंने ये देखें छोटे से मैंने इसके अंदर ना डिज़ाइन बनवा के चार कट्स का और इसके अंदर जो है ना मोती पल्स डलवा दिए ये दोनों साइड की बाज़ुओं पे ये है और इसके अलावा जो बाज़ू हैं वो बेल बाजू हैं और ये थी सिंपल सी ये शर्ट जिसने अब ये स्क्रीन शॉट लेना ना वो यहाँ से ले लें उसके बाद मैं आपको ट्राउज़र की डिटेलिंग दिखा देती हूँ तो ट्राउज़र पर मैंने जनाब डिटेल्स डिटेलिंग करवाई है ये देखें सबसे पहले मैंने यहाँ पे निचली वाली साइड पे छोटी छोटी सी मैंने शटल लेस लगवाई है और यहाँ पे साइड्स पे ये देखें ये प्लेट्स लगवाए हैं इन प्लेट्स को कवर करने के लिए इसके ऊपर हमने पर्ल्स लगवा लिए सेंटर में फिर एक हमने लेस डलवाई फिर हमने छोटे छोटे से प्लेट्स ललवाए ब्रिक ये बड़े प्लेट्स हैं और यहाँ पर ये छोटे ब्रिक और यहाँ पर सेम एज एट दोनों प्लेट्स ललवा ली और ये मैंने ट्राउज़र पर डिटेलिंग करवा ली जिसने स्क्रीन लेना है और जिसको प्लेट नज़र नहीं आ रहे वो ऐसे ले लें ये जी स्क्रीन आप ले सकते हैं और ट्राउज़र इसके अलावा ऊपर बिल्कुल सारा सिंपल है यहाँ पे मैंने इलास्टिक डलवाई है और ये है पूरा फुल ड्रेस आपको मैं यहाँ पे सारा रख के इसको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो इजीली ये लें स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोनों चीज़ों का ले सकते हैं तो चलिए जी अब हम जो चलते हैं ड्रेस नंबर जो फ़ोर की तरफ ये लें जनाब ये है ड्रेस नंबर फ़ोर और ये वाला जो ड्रेस है वो मैंने लिया है सेफायर से ये इनकी लेटेस्ट कलेक्शन में अभी भी आपको मिल जाएगा और ये है इसका ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल प्लेन मैंने ट्राउज़र बनवाया है यहाँ से देख लें आप ये देखें ये है इस ट्राउज़र सिंपल प्लेन और इसके ऊपर छोटी सी हल्की सी मैंने जो है ना वो लॉ लास्टिक डलवाई है आम शर्ट की डिटेलिंग की तरफ आ जाते हैं ये सारे जो पैचेस हैं यहाँ पे जो हमने ये लगवाया है सब कुछ जो है साथ ही आया था सिर्फ मैंने जो है ना गला अच्छा बनवा लिया इसका ये शलवार का कपड़ा था उसका यहाँ पे मैंने बड़ा सारा पलटा लगवाया बॉर्डर की तरह और ये साइड्स पे मैंने ये यहाँ पर मगजी की तरह लगवा लिया जिसने स्क्रीनशॉट लेना वो यहाँ से ले ले ऐसे करके और यहाँ पे ये तो नीचे लग गया बॉर्डर और इसका जो ये जो बॉर्डर है ना वो मैंने निकलवा के यहाँ पर शर्ट के सारी मैंने यहाँ देखे सारे चाकों पर लगवा लिया था यहाँ से आप देख सकते हैं ये ले ये देख लें ये पहना हुआ इतना अच्छा लगता है आपको इस ड्रेस में मेरी यूट्यूब पर वीडियो मिल भी जाएगी लेकिन इस ड्रेस की डिटेलिंग वीडियो नहीं थी तो देन मैंने इसलिए ये बनाई है और ये देखें शलवार का कपड़ा लेके इसके जो कटवर्क है ना उसका मैंने गला बनवाया है मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ नीचे ये वाला लगा हुआ है और ऊपर शर्ट के कटवर का कपड़ा बना के लगाया तो ये इस तरह से ये मैंने गला बनवाया इस गले का ना आप स्क्रीनशॉट शॉट यहाँ से ले सकते हैं ये ले लें ठीक है अब और अगर आपको इसकी समझ ना भी आई हो तो जिस से मैंने देखी है, गला बनवाया मैं उसके साथ यहाँ पिक्चर अटैच कर दूँगी वहाँ से आप देख के आपको ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा और ये भी जो बॉर्डर नीचे लगाया दामन में सेम एज एड बाज़ू पर लगवाया था और मेरे मोस्टली जो बाजू हैं ना वो बेल बाजू ही होते हैं तो ये थी फोर्थ ड्रेस की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी तो चारों ड्रेसेस की डिटेलिंग आप लोगों ने देख ली होगी उम्मीदा आपको पसंद तो आई होगी और इसके अलावा अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई कुछ भी वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डी कर लें और ये रहे जी फो फोर के फोर ड्रेसेस अब हम इनको अलमारी में हैंग करेंगे इनशाला ये पहली वीडियो अभी समर की समर स्टार्ट हुए हैं और पहली वीडियो आ गई है इनशाला मैं तीन से चार वीडियोस ड्रेसेस की बनवाऊँगी ड्रेसेस कुछ सिलने भी दिए हुए ईद के ड्रेसेस भी अभी सिलने के लिए दिए हुए हैं तो जिस तरह सारे बन के तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ जो है ना वो उनकी भी वीडियोस बना के शेयर करूंगी तो आपने बस इतना सा काम करना कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना बस और कुछ भी नहीं करना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और जाके अगर कुछ भी पूछना हो या फिर इनकी पिक्चर्स आपको चाहिए हो, इन ड्रेसेस में जो मैंने शूट किया है तो उनकी पिक्चर्स वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी अदिल शहज़ादी फोर सेवन के नेम से यहाँ पे ये यह देखें मैंने आपको अकाउंट मेंशन किया हुआ है आप जाएँ सर्च करें और वीडियोज़ या फिर पिक्चर्स वगैरह जिसकी समझ नहीं आ रही हो वो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं वीडियो एंड करती हूँ तो आम याद रखिएगा अल्लाफ़